नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल ओपी पालेडर में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को अपने इस चैनल ओपी पालेडर की ओर से इस होली के पावन पर्व पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है और दोस्तों इस त्यौहार को सभी धर्म के लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग अपने सभी बंधनों को तोड़ करके एक दूसरे के साथ भाईचारे का संदेश देते हैं, अर्थात वे सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खुशियां मनाते हैं। दोस्तों इस पर्व को सभी लोग अपने गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे के साथ अबीर गुलाल लगाते हैं और ये जो त्यौहार है बच्चों का और युवाओं का त्यौहार होता है। दोस्तों इस त्यौहार को सभी बच्चे और युवा जो है बहुत ही जोश में होते हैं, बहुत ही उत्साहित होते हैं और वे सभी लोग एक दूसरे के साथ रंगों से खेलते हैं। दोस्तों इस होली को फाल्गुन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है, अर्थात जब चांद पूरी तरह से दिखाई देता है उस वक्त इस पावन पर्व को मनाया जाता है। और दोस्तों इस होली से अनेक कथाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से आज मैं आप सभी लोगों को आज इसका एक पौराणिक कथा बताता हूँ। अर्थात आप सभी लोग जानते होंगे कि होली से एक दिन पहले वाली रात को होलिका का दहन किया जाता है दोस्तों, अर्थात होलिका को जलाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसी कारण को हम आज सभी लोग जानेंगे। प्रहलाद जी के पिता जिनका नाम हृदय कश्यप था, वह स्वयं को अर्थात खुद को भगवान मानते थे और वह विष्णु के विरोधी थे। और जबकि प्रहलाद जी विष्णु के भक्त थे तो उनके पिताजी ने प्रहलाद जी को मना किया कि तुम विष्णु की भक्ति मत करो, लेकिन जो प्रहलाद जी थे वह बहुत ही बड़े भक्त थे विष्णु जी के, इसलिए वह नहीं माने। जब नहीं माने तो जो हृदय कश्यप जी थे अर्थात जो प्रहलाद जी के पिता थे, वह अपनी बहन से अर्थात होलिका से सहायता मांगते हैं। यानी होलिका जो है वह प्रहलाद जी की बुआ थी और वह सहायता मांगते हैं कि बहन मुझे जो है कि प्रहलाद को जलाना है अर्थात मारना है। तो होलिका जो है वो तैयार हो गई और दोस्तों होलिका को वरदान मिला था कि उसे आग कुछ नहीं करेगा, अर्थात उसे आग कभी भस्म नहीं करेगा होलिका को। तब दोस्तों होलिका जो है कि अपने चिता में लेकर के इस प्रहलाद जी को बैठ गई और फिर जब आग जलाया गया, लगाया गया, तो वहाँ पे जो है कि होलिका का दहन हो जाता है, अर्थात होलिका जो है जल करके भस्म हो जाती है और प्रहलाद जी विष्णु की कृपा से बच जाते हैं। तो दोस्तों इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अर्थात हमें जो है कि कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें अच्छाई ही करना चाहिए। अगर हम बुराई करते हैं तो कभी न कभी उसका नाश होगा। दोस्तों इस त्यौहार को प्रातःकाल लोग उठ करके अपने नाते रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, यार सभी के यहाँ जा करके रंग बिरंग लगाते हैं और होलियाँ खेलते हैं। दोस्तों इस त्यौहार को सभी जो बच्चे हैं वह बहुत ही हर्षोल्लित होते हैं और वे सभी लोग एक दिन पहले से ही मार्केटिंग करने लगते हैं और पिचकारी, रंग, गुलाल, अबीर आदि सामान खरीदते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ टोली बना करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, जिसे कि हम हुरियारे कहते हैं। दोस्तों इस हुरियारे पर सभी बच्चे मिल करके किसी को रंग लगाते हैं, किसी को गुलाल लगाते हैं, इस प्रकार का हर्षोल्लास होता रहता है दोस्तों। और जो औरतें होती हैं वह एक दिन पहले से ही गुजिया, पूड़ी और बहुत से आइटम जो है वो बनाती रहती हैं, जो कि सभी लोग खाते रहते हैं और अपने रंग बिरंगों के साथ खेलते रहते हैं। दोस्तों वज्र की होली, मथुरा की होली, बरसाने की होली और काशी की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इस दिन को सभी लोग अर्थात पूरा भारत जो है बहुत ही खुशियों से मनाता है इसे, और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खुशियों से यानी रंग बिरंग एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। तो दोस्त
हमें एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आजकल का जो रंग आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, यानी कि त्वचा को हमारे नुकसान पहुँचा सकता है। और हमें कभी भी इस प्रकार का रंग अबीर गुलाल नहीं फेंकना चाहिए जो कि हमारे आँखों पे लगे अर्थात हमारे कानों में जाए और इस प्रकार के शरीर को हमारे बर्बाद करे, तो ऐसे हमें नहीं खेलना है। और दोस्त, यह खुशियों का पर्व है, तो इस पर्व को जो मदिरा लोग लेते रहते हैं तो इस मदिरा से हमें दूर रहना चाहिए। और ये हमें जो है सभी को बताना चाहिए कि हमें नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे अगर हम नशीली पदार्थ करके जो है कि खुशियाँ मनाएंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि खुशियाँ क्या हैं, हम नशे में चूर हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सभी लोग नशीले पदार्थों का सेवन न करें। दोस्तों, इस प्रकार का हमारा ये त्यौहार था और आप सभी लोगों से मैं एक बार अंत में फिर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग समझ बूझ करके अबीर गुलाल के साथ जो है कि इस त्यौहार को मनाएं। हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।